స్టార్ హాస్పిటల్స్ బంజారా హిల్స్ తో పాటు ఇప్పుడు ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ లో కూడా ఇండిపెండెన్స్ ఓకే అభి 75 ఇయర్స్ మే హమ్ లోగ్ ఆ గయా 75 సాల్ సే అగర్ హమ్ లోగ్ కా కాన్స్టెన్సీ జో జో కాన్స్టెన్సీ కా దిక్కత్ సబ్ అప్నా అప్నా కాన్స్టెన్సీ వాలా బతాతా హై మగర్ జో దేశ్ కా జబ్ బాత్ ఆతా హై తో హమ్ లోగ్ కా కాన్స్టిట్యూషన్ మే జో ఆర్టికల్ 1 మే జో లిఖా హై उसको इंडिया दट इज भारत शेल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स ये स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है मगर 75 साल होने का बाद भी आज के दिन में इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स है और छोटा स्टेट से बड़ा स्टेट है कुछ स्टेट जो है ना आपको सपोर्ट कर रहे हैं कुछ स्टेट जो है ना आपके लिए अपोज है मगर आपको जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठने का बाद आप यहां से सबको इक्वली जो है ना देखना चाहिए सही ढंग से देखना चाहिए वो छोटा स्टेट हो बड़ा स्टेट हो आपको मदद कर रहा हो आपको अपोजिशन हो मगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा ध्यान जो है ना पूरा देश के ऊपर होना चाहिए। ऑनरेबल चेयरमैन साहब कभी भी ना कांग्रेस है ना बीजेपी ना इधर का है ना उधर का है हम लोग अपना भारत राष्ट्र समिति बीआरएस का है हम लोग देश का लोगों का साथ रहेगा सब जिस तरीके से जो है ना अभी मणिपुर में जिस तरीके से हुआ है ये हम लोग का एंटायर कंट्री में इंडियन पीपल के लिए ये जो है ना बहुत शर्मिंदगी का है हम लोग का सिर अभी झुकना पड़ रहा है पूरा विदेश में भी ये बात हम किस लिए बोल रहा है अगर यूरोपियन पार्लियामेंट में भी वो लोग एक रेजोल्यूशन जो है ना लगा दिया अगर स्पीकर का नाम उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट की थ्री जजेस का फॉरवर्ड जजेस का कमिटी भी डाला है अभी आखिरी में चेयरमैन साहब हम एक बात बोलना चाहता है 15th लोकसभा में ये लोग उधर था वो लोग इधर था और इधर अपोजिशन लीडर सुषमा जी था और फारूक अब्दुल्ला साहब ने बैठा है उस टाइम में जो है ना स्टोन फेल्टिंग हुआ था कश्मीर में 100 चिल्ड्रन जो है ना डेथ हुआ है हम लोग अपोजिशन पूरा डिमांड किया था सुषमा जी के साथ हम लोग डिमांड करके हम लोग सब गवर्नमेंट को बोला है पूरा डेलीगेशन को आप कश्मीर लेके जाइए ऑल पार्टी डेलीगेशन को लेके गया था 39 जो है ना पीपल को ऑल पार्टी डेलीगेशन को लेके गया था और उसमें जो है ना 3 दिन हम लोग कश्मीर में था जम्मू में था सब सेक्शन वाला से बात किया है हमने के कॉन्फिडेंस क्रिएट किया है कुछ ना कुछ फायदा तो हुआ है बहुत उसी तरह से अभी भी बहुत मणिपुर के लिए यही काम प्रधानमंत्री जी करें तो अच्छा रहेगा हम लोग प्रधानमंत्री को इसलिए बात कर रहे हैं सुब्रायन जी देश का प्रधानी का बात से ये शांति आ जाएगा देश का प्रधानी का बात अगर सबके लिए जो रेस्पेक्टेबल बात रहेगा उसी की वजह से हम लोग डिमांड किया है उसी की वजह से इमीडिएटली उधर जो है ना मणिपुर का बहुत बहुत धन्यवाद।